Welcome to Sarim Studio. Subscribe the channel and click the bell icon. देखिए MIM तो खाली बिहार में कितनी 20 सीटों में इलेक्शन लड़ी है, लेकिन देखिए एक बात बहुत टाइम से आ रही है मुस्लिम कम्युनिटी में, और मैं तो खुद ये बात कह रहा हूँ आज से नहीं सालों से, कि ये कोई पार्टी हिंदुस्तान में सेक्युलर नहीं है और कोई पार्टी कम्युनल नहीं है। वक्त पर वो कम्युनल भी बनते हैं, सेक्युलर भी बनते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को या ये सो कॉल्ड जो हैं इनको सेक्युलर समझना, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये कोई सेक्युलर नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना जानते हैं। अभी आप बहुत दूर कहाँ जाते हो, बिहार के चुनाव में देख लो ने, मुस्लिम यादव MY टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ही देख लो कि कितने मुसलमानों के टिकट दी इन्होंने। तो मुसलमानों के साथ बेईमानी तो वहीं से शुरू हो जाती है। अभी बिहार में 243 सीट्स हैं, 19 मुसलमान आए, वो 19 में 6 तो ओवैसी का जो 5 AMIM और बाकी एक वो BSP जो इनके अलायंस में थे। अगर ये ओवैसी साहब नहीं होते तो ये एक भी मुसलमान को देते टिकट? तो ये बेवकूफ़ी होगी ये समझना कि ये सेक्युलर है। और मैं उसकी मिसाल देता हूँ, गुजरात को ले लीजिए आप। मैं आपको दो स्टेट की बात करता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा समृद्ध इकोनॉमिकली और हर सोशल इंडिकेटर में जो है वो गुजरात में है, और सबसे ज़्यादा बिछड़ा हुआ अगर है तो वो आसाम में और बंगाल में, और उसके बाद बिहार में। ठीक है, गुजरात में पिछले 25 साल से BJP हुकूमत कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा समृद्ध जो है गुजरात में। 19-20 होता है, लेकिन और जहाँ सबसे कमज़ोर है बंगाल, आसाम और बिहार। बंगाल में तो पिछले 70 साल में एक बार भी BJP ने हुकूमत नहीं की है, आसाम में पहली मर्तबा 2017 में हुकूमत आई है, बिहार में नीतीश कुमार थे तो पहली बार 5 साल BJP के साथ हुई है। तो ये समझना कि जहाँ BJP है वहाँ मुसलमान बिछड़ा हुआ होगा और जहाँ BJP नहीं है, तो ये इससे अब मुसलमानों को बाहर आने की ज़रूरत है। और ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है ना, कि यानी ये कांग्रेस पार्टी और ये क्या चाहती है, बस मुसलमान 2-3 चीज़ें करें, बिरयानी पकावें और वो बस टोपी पहन के इफ्तार पार्टी करें, बस तुम्हारा काम इतना है, मुशायरे कर लो। तो ये नहीं चलेगा। तो अब मुसलमान तो ये सोचता है कि ठीक है ना, देना ही नहीं, आए BJP आए ना, भाई क्या बिगड़ गया, 6 साल से हुकूमत है ना, भाई BJP की 6 साल से हुकूमत है, क्या हुआ है गुजरात में 25 साल से, ठीक है थोड़ा बहुत, बाकी मैं नहीं समझता। अब ये बात मुसलमानों के दिमाग में आ रही है, ये बात आ रही है अब। लेकिन क्या सेक्युलरिज्म वाली जो पार्टियां हैं उनसे मुस्लिम युवा और मुसलमानों का मोहभंग हो गया है, ये कहना गलत होगा? ये मोहभंग नहीं, बिल्कुल मुसलमान समझ गया है, मोहभंग नहीं, यानी मुसलमान कोई इल्यूजन में नहीं है, बिल्कुल ये कोई सेक्युलर नहीं है। ये वक्त पे, और वो तो अभी राम मंदिर के टाइम पे देख लिया ना आपने इनका तमाशा। तो मैं तो हमेशा कहता था, देखिए मायावती जी जब ये इलेक्शन हो रहा था UP में, तो ये मायावती और समाजवादी साथ में थे और BJP थे, तो मैं तब ये कह रहा था कि भाई आप लोग कंपाउंडर से इलाज क्यों कराते हो, डायरेक्ट डॉक्टर से इलाज कराओ ना अपना, BJP से, क्योंकि मायावती को वोट दे रहे हो और जाके मिले